अस्सलाम वालेकुम का दिन और रात हस्बे हाल लेकर हाजिर है आपका मेजबान जुनैद सलीम। शो में हमेशा की तरह मेरा साथ देंगी नाजिया और हम सबको बहुत अजीज हम सबका नटखट अजीजी। अस्सलाम वालेकुम खवातीन और हजरात, मैं आज राइट टाइम पहुंच गया हूं जिसके लिए मैं जुनैद साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में लिफ्ट दिया और मुझे घर से पिक करके इधर चैनल पे ड्रॉप किया है, क्योंकि मेरा जो स्कूटर है उसका चौथा पहिया भी पंचर हो गया है। चौथा पहिया? हाँ, वो जो पिछला पहिया है उसका, उसको मैंने 4 दफा तब्दील किया, चौथी दफा भी पंचर हो गया। चलो शुक्रिया तो अदा कर दिया ना मेरा, अब पैसे भी अदा कर दो, 700 रुपया जो तय पाया। 700 रुपया मुझे घर से आपने पिक किया, चंद से पिक नहीं किया। देखो 200 रुपया तो तुमने तय किया था मेरा आने जाने का किराया, yes। ठीक है, और 500 रुपया जो गली की नुक्कड़ पे तुमने दुकान वाले का देना था किराने वाले का, वो तुमने मुझसे दिलवाया। नहीं, वो 500 रुपया तो तुमने जज्बा खैर से गाली के तहत दिया। सच जज्बा खैर से गाली? तुमने खुद कहा कि यार मुझे जल्दी हो रही है, फिर प्रोग्राम से लेट हो जाएंगे, चलो मैं दे देता हूँ, फिर कभी दे देना। तो तुमने देने नहीं थे उसके पैसे? भाई जी इतनी जल्दी, पहली दफा मांगे तो पहली दफा ही दे दू यार। अदार इसी को कहते हैं, बंदा उसको बातों में लगा के आधा घंटा इधर उधर की मार के तो उसको पुला देता है। मैं तो उसको 15-15, 20-20 दिन बाद देता हूँ, तुमने पहली दफा ही मांगने पे उसको वापस कर दिए 500 रुपये, उसकी आदतें खराब कर रहे हो। अस्तगफुरुल्लाह जी जी साहब, अब मैं उससे उधार सौदा लेने जाऊँ, वो आगे से कह देखे पाज जी नहीं आया यार। यार उसे कहा करो यार, तुम्हें पिक कर लिया कर। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की वजह से आज तो खबरों में बड़ी गर्मा गर्मी है। गर्मा गर्मी क्यों जी, कॉन्फ्रेंस में कोई गर्म पकौड़े तकसीम हुए? नहीं अजीजी साहब, मेरा मतलब है कि इससे रिलेटेड खबरें गर्मा गर्म है। अरे अल्लाह लोके, जब से ये चैनल शुरू हुए सारी खबरें गर्मा गर्म ही होती हैं। पहले एकदम लाल रंग का था, ब्रेकिंग न्यूज। कैसे आता है ये, जरा दोबारा करके दिखाओ। शाराए फैसल पर 5 साल बच्चा अपना आधा किलो दही रोड बैठा। बेरहमाना अंदाज में गाड़ियां दही के ऊपर से गुजरती रही, बच्चा मासूमियत से उसे देखता रहा, दही की लस्सी बन गई, हुकूमत खामोश तमाशाई बनी रही। 5 मिनट बाद फिर वो लाल रंग का था, ब्रिजून ब्रेकिंग न्यूज। हमारी निशानदही की वजह से वजीरे आला सिंध कैमली शाह जाए दही पर पहुंच गए। और दही निकालने वाले चापड़ से उतो उतो दही उठा के छापर में डालना शुरू कर दिया। 5 मिनट बाद फिर वो कत्ल हुई हुई लाल सरफ स्लेट आ जाती है, ब्रिजून ब्रेकिंग न्यूज। अपोजिशन की तरफ से वजीरे दूध व दही की बरतरफी का मुतालबा। बस करो, बस कर दो, जान छोड़ दो दही की यार। बस क्यों करूं, तुम मीडिया वाले बस करते हो, अभी तो बहुत सी डिशन पड़ी हुई है। ब्रेकिंग न्यूज, बच्चे की वालदा जाए वारदात पर पहुंच गई और बच्चे को पीटना शुरू कर दिया। सिविल सोसाइटी और बच्चों के हकूक की महाफिज 2 NGO ने एहतजाज शुरू कर दिया। आइए आपको बच्चे की वालदा का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सुनाते हैं। मैं तो ये कहूंगी कि हर दूसरे दिन ये जो दही गिरा के आ जाता है, ये सारी शापर की कमजोरी है। पिछली हकूमतों में शापर बहुत मोटा होता था, जब से ये हुकूमत आई ये शापर इतने कमजोर होना शुरू हो गए कि चौथी दफा इस बच्चे ने दही गिराया, शापर फट जाता है, दही नीचे गिर जाता है। मैं तो हुकूमत पाकिस्तान से ये अपील करूंगी कि सारी जिंदगी के लिए हमारा आधा किलो दही लगाया जाए। विशु सदर पाकिस्तान ने दही वाले वाकये का नोटिस ले लिया। विशु वजीर दाखला मंजूर वसान ने वजीर आजम की हदायत पर फुल कुंडा इमदादी दही का मुतासरीन के घर पहुंचाया। ब्रेकिंग न्यूज,
अपोजिशन की जानिब से संगीन वाके की तहकीकात के लिए अदालती कमीशन बनाने का मुतालबा। यार बस करो, बस करो, बहुत हो चुकी। बस क्या कर दूं, अभी तो दूसरे चैनलों की लड़ाई शुरू होनी है। दूसरे चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज देनी है, उसका अलहदा म्यूजिक होता है, जैसे हर बंदे की अपनी बड़क होती है ना, इस तरह म्यूजिक भी हर चैनल का अपना होता है। ब्रेकिंग न्यूज, नाइरीन दही गिरने वाले अफसोसनाक वाके की हमें एक्सक्लूसिव फुटेज मौसूल हो गई। नाइरीन, ये दही गिरने के चंद सेकंड बाद का मंजर है जिसमें करीब से गुजरता हुआ एक रक्षे वाला रक्षे से उतरकर दही के ऊपर से मलाई खाता हुआ नजर आ रहा है। नाइरीन, और खुदा का नाम लो, बस करो यार, बस नाइरीन, ये सुर्ख दायरे में वो शख्स नजर आ रहा है और चिटे दायरे में मलाई नजर आ रही है। नाइरीन, ये जरा गौर यार, प्लीज बस करो यार। बिल्कुल भाई, ये नजर आ रहा है कि वो रक्षे वाला अपनी बड़ी उंगल के साथ मलाई खा रहा है। फिर एक और इंसानियत का मामा चैनल आ जाता है। ब्रेकिंग न्यूज, नाइरीन आइए आपको एक्सक्लूसिव फुटेज दिखाते। नाइरीन, जय हादसा से चंद कदम दूर का आपको एक हौलनाक मंजर दिखा रहे हैं। ये है वो जगह जहां चिटा चिटा दही गिरा है, और गौर से देखिए, चंद ही कदम पर एक काली वर्दी वाला कानून का रखवाला एक रेड़ी पे खड़ा होके कितनी बेनियाजी के साथ बर्फ वाला गोला चूस रहा है। और नाइरीन, जरा अंदाजा कीजिए, जब उसके गोला चूसने की आवाज मासूम बच्चे के कानों में पड़ रही होगी तो उसके दिल पे क्या बीत रही है। अब जिस चैनल के पास फुटेज नहीं होती वो कैसे अट्रैक्शन बढ़ाता है। नाइरीन, हम इस दही गिरने वाले वाके के पीछे छुपी हुई एक आलमी साजिश से अपने नाजरीन को आगाह कर रहे हैं। नाजरीन, हमें बावसूक जराए से मालूम हुआ है कि जिस शापर के फटने से वो आधा किलो दही नीचे गिरा था वो अमरीकी साख्त का था। चूंकि हमारे जराए का ये कहना है कि बिल्कुल इसी साख्त के शापर में हमने मूलन को भी दो तीन दफा दही खरीदते हुए। और नाजरीन, हम आपको आगाह करते चले कि 1937 में नाइजेरिया में भी बिल्कुल इसी तरह का अमरीकी साख्त का शापर फटने से आधा किलो दही गिर चुका। आइए नाजरीन, अब हम आपको लिए चलते हैं गुजरावाला, जहां का दही बहुत मशहूर है, और हम बात करते हैं बशीर पहलवान दूधदही वाले से और उनकी माहिराना राय लेते हैं। बशीर पहलवान साहब, ये बताइए कि दही फटने से शापर फटता है या शापर फटने से दही फट जाता है? देखे जी, मैं आपको 37 साल से दही जमा रहा हूँ। मेरा वालद भी दही जमाता था और मेरा दादा भी दही जमाता है। हम तीन नस्लों से दही जमा रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज, नाजरीन, पहलवान से गुफ्तगू आपको बाद में सुनाते हैं हमारा कराची का नुमाइंदा लतीफ बदम अली, जिस बच्चे का दही गिरा उसके पास पहुंच गया है। आइए बच्चे के तरफ साथ देखते हैं। नाजरीन, जिस बच्चे का दही गिरा है, आइए उसकी गुफ्तगू सुनते हैं। बेटा बेटा बेटा, नाजरीन, मेरा ख्याल है उस बच्चे को और चैनल वाला थ्रू के ले गया है। जो ही वो हमारे हत्थे चढ़ेगा हम आपको उसकी गुफ्तगू सुनवाएं। सर, दही से चैनल्स की जान तो छुड़ाएं। नाजरीन, यहां मैं लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। टंग टंग टंग, रात पर बातें कीजिए, हमारा नया पैकेज लीजिए। रात पर बातें कीजिए। एपीसी की खबरें लेकर बैठी हूँ और आप दही के पीछे पड़ गए। जी शुरू करें जी। आपको पता है मौलाना फजल रहमान की तबीयत खराब हुई है, वो एपीसी की मीटिंग छोड़कर चले गए। तो बात तो ये भी दही की हुई ना। मौलाना फजल रहमान की बात है, दही कहाँ से आ गया यार? यार तुम्हारा क्या ख्याल है, वो दही से नफरत करते हैं, 2.5 किलो दही खाते हैं सवेरे। दरअसल हुआ ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब को उन्होंने कहा जी एपीसी है जनाब, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस नहीं ना का, सिर्फ एपीसी का है। मौलाना ने समझाया शायद आलू पराठा कॉन्फ्रेंस है। उधर पहुंचे हैं बेचारे,
तुमने देखा नहीं जब मेरे मुर्शिद महसद के जब पीएम साहब तकरीर करके पीछे से गुजरे हैं तो मौलाना फजलुर रहमान एकदम खड़े हुए वो इसीलिए खड़े हुए थे कि सरकार मुर्शिद पाक आपने तकरीर शुरू कर दिया अगर परौंठे नहीं थे खुआने तो पहले बताना था मेरे मुर्शिद पाक ने पकड़ के बिठाया कि जनाब आप तशरीफ रखे परौंठे पक गए हुए मक्खन लेने गया हुआ लड़का असल में जितनी देर तक मक्खन ना लगे आपको पता है आपको टेस्ट ही नहीं आता आपको पता है जी साहब इसी कॉन्फ्रेंस में नवाज शरीफ साहब शेख रशीद के साथ काफी देर तक मुसाफा करते रहे गिले शिकवे करते होंगे और क्या करना है इतनी देर हाथ पकड़ के नवाज शरीफ साहब ने कहा होगा कि ये हाथ मुशर्रफ से मिलाते रहे हो ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर शेख साहब ने आगे से कहा होगा मेरे पास कई हाथ हैं एक हाथ वो जो मैंने मियां साहब आपके साथ किया एक हाथ वो जो मैंने जमाली के साथ किया और एक हाथ वो जो मैंने चौधरी शुजात के साथ किया और एक वो जो मैंने मुशर्रफ के साथ किया आपको कौन सा हाथ चाहिए मियां साहब ने कहा होगा कि फिलहाल तो मेरा हाथ ही वापस कर दो जो पकड़ा हुआ पीछे से शेख साहब ने गाना गाया होगा ओ छटी जावी नचना बां फड़के ओ डोले काल जाते जिया मेरा तड़के जिया तड़के ओ छटी जावी नचना बां फड़के ये वही शेख रशीद साहब है मुझे अच्छी तरह याद है जिन्होंने एक बार पहले भी बहुत जोरदार किस्म का फिल्मी डायलॉग बोला था नवाज शरीफ के बारे में वो कब जी जब मुशर्रफ के टेक ओवर के बाद चारों तरफ बहुत ज्यादा खौफ और हरास की फिजा थी तो लाहौर में इन्होंने एक जलसे से खिताब करते हुए कहा था कि लाहौर वालों नवाज शरीफ को बचाओ वरना तुम्हारी क्यादत सियासी हिजड़े करेंगे हाय 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 फिर उन्हीं शेख रशीद साहब ने सियासी क्यादत की अच्छा जी जनूबी कोरिया में एक घंटा बिजली बंद रहने पर वजीरे इक्तिसादियात मुस्ताफी हो गए हैं यार ये देखो सारी दुनिया वाले आए रोज पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे इसमें साजिश कहां से नजर आ गई अब देखो ना यार वो जनूबी कोरिया में एक घंटा लोड शेडिंग हुई है तो वजीर ने इस्तीफा दे दिया ये क्या हमें कहना चाहते हैं हमारे यहाँ जितनी लोड शेडिंग हो रही है इस हिसाब से अब हमारी सारी कैबिनेट इस्तीफे दे दे इतने ये शौक है छोटा सा कोई काम होता है इस्तीफा दे देता है छोटी जी को मिस्टेक होती है ये इस्तीफा दे देता है सिर्फ हमें ये चिढ़ाते हैं हमारी तरफ इनके इशारे होते हैं कि दो इस्तीफे दो इस्तीफे और तुम्हारे वजीर तो को और चलो काम कर लेंगे हमारे वजीर क्या करेंगे इस्तीफे दे वेले सारे बेचारे हमें खजल उनका करना चाह रहे हैं खबरदार ऐसी खबरें ना पढ़ा करो हमारे वजीर अल्लाह के फजल से मुस्तकिल मिजाज है 18-18 घंटे लोड शेडिंग होती है मगर जुपे हुए हैं मेहनत कर रहे हैं कि किस तरह इसे 24 घंटे में बदला जाए लुट डाली हुई है इन लोगों ने हमें सतीफे पे सतीफा सतीफे पे सतीफा सतीफे पे सतीफा दीवे उते दीवाए तुसा जे सतीफा दिता है केड़ा प्यो ते सान कीता है निकल चलो निकल चलो अगली खबर पे मियांवाली रेलवे स्टेशन पर इंजन ड्राइवर के बगैर अकेला भाग निकला 15 किलोमीटर के बाद कांटा बदल के गिराना पड़ा हैं हाँ ये खबर मैंने भी पढ़ी है और रेलवे का इंजन कल्ला ही दौड़ गया बगैर ड्राइवर के और मैंने सुना जाते हुए बेचारा कह के गया रेलवे वाले ओ मेरी जान छाड़ दे और दौड़ गया बेचारा बड़े रोने रोया उसने उसने कहा यार मैनू स्टार्ट करके इधर खड़ा कर देते हो और ना मुरादो पेट मेरा इतना बड़ा हो गया शुगर मुझे हो गई है गले मेरी इधर को आ गई हुई है डाटा मेरा नीचे लटक गया खदा का वास्ता मुझे चलने फिरने दो जाने दो गुस्सा मुझे डॉक्टर ने कहा कि पैदल चला करो मैं कहां जाऊं किसको कहूं मैं कि मुझे दौड़ने का मौका दिया जाए अखीर वो बेचारा अक के दौड़ पड़ा और मैंने सुना आगे जाके इन्होंने कांटा बदल के उसे गिराया और गिरते गिरते उसने बेचारी ने आखिरी हिचकी लेके कहा है बलौर साहब अगर रेलवे की कोई चीज
चलनी पड़ी थी तो उसे चलने ले देते चलने देते चलने ले दे, फात हो गया। तहसील म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन रावलपिंडी के तकरीबन 1700 रिटायर्ड मुलाजमीन को 6 माह से पेंशन नहीं मिली, एहतजाज के तौर पर अपने बच्चे फरोख्त करने का ऐलान। हाय 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 यार, ये क्या हो रहा है इस मुल्क में? यार हम पहले भी कई बार अपने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में इस हवाले से मरसिया खानी कर चुके हैं, लेकिन लगता है कि हुक्मरानों के कानों पर जूं तक नहीं रींगती। पता नहीं ये पत्थर के बने हुए लोग हैं। यकीन करो मुझे हर हफ्ते दर्जनों की तादाद में इस तरह के मैसेजेस मौसूल होते हैं कि हम कॉन्ट्रैक्ट पर हुकूमत के मुलाजिम थे या सरकारी या नीम सरकारी किसी इदारे के या किसी कोई जो तरक्याती प्रोजेक्ट्स हैं उनमें हम काम कर रहे थे, हमें बगैर किसी इत्तला के हमारी तनख्वाहें रोक दी गई हैं या मुलाजमत से निकाल दिया गया है। और ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो बाकायदा काम कर रहे हैं और एक एक साल से उनको तनख्वाहें नहीं मिली। यार मतलब फाइनेंशियल क्रंच अपनी जगह, लेकिन एक लम्हे के लिए एहसास करना चाहिए कि जिस घर में मुस्तकिल आमदन का जरिया अचानक रुक जाए उस घर के यानी जो लोग हैं उन पर क्या बीतती होगी। अब देखो यार ये रिटायर्ड बुजुर्ग हैं बेचारे, इन्होंने अपने पैसे अपनी तनख्वाह में से कटवाए हुए हैं जो इनको पेंशन की सूरत में मिलनी और 6 महीने से नहीं मिला। यार हद हो गई है भाई, मुर्शद पाक सरकार में सदके जाऊं आप। सिर्फ मुर्शद पाक से अपील ना करो, चारों वज़राए आला से भी अपील करो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो सूबाई हुकूमतों के तहत काम कर रहे हैं। करने लगा यार, मुझे पता है ये पिंडी सूबे में आता है, खुदा का वास्ता है 2 मिनट साल या करो, फिर से मुझे करना पड़ेगा वही। तो तुमने एक लम्हे की धमाल ही डालनी है ना, डाल लो। नहीं मैंने धमाल डालनी इस पे नहीं डालनी। मुर्शद पाक सरकार बुजुर्ग आदमी है, सारे वो यराय आला साहब भी खादम आला साहब कैम अली शाह साहब होती साहब और जनाब रईसानी साहब, खुदा के वास्ते ये हाथ देखे। और इस तरह के जो लोग हैं हजूर, जो रिटायर बंदे बेचारे और जो मुलाजम है छोटी छोटी तनख्वाह वाले, जिनके पल्ले है ही कुछ नहीं तनख्वाह के या पेंशन के अलावा, खुदा के वास्ते उन बेचारों को तो उनके पैसे दिलाया करें। हमने पहले भी अपने प्रोग्राम में ये बात की थी कि वफाकी और सूबाई सतह पर एक एक कमेटी बना दी जाए जो सिर्फ उन महकमों को तलाश करे, उन मुलाजमीन की निशानदेही करे जिनकी तनख्वाहें बगैर किसी इत्तला के रोकी हुई हैं। और सरकार यकीन करें कि बंदे सिर्फ डेंगू और सैलाब से ही नहीं मरते, भूख से भी मर जाते हैं। नाज़रीन यहां में लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। सबसे पहले मैं आपको एक मजेदार सी वीडियो दिखाने लगी। दिखाओ जरा। ये देखें। हाय हाय यार, आप इस वीडियो पे हंस रहे? ये एक खबरदार करने वाली अलामती वीडियो है। देखो जरा ये क्या कर रहा है तोता, फिर से दिखाओ जरा। ये ले जी सर। ये देखो, एक गरीब आदमी का तोता है। उसने तोते से पूछा, मियां मिठू चूरी खानी हूं? उसने कहा कितों? उसने कहा नीचे पड़ी हुई है। और वो देखो बेचारा चूरी ढूंढता ढूंढता उल्टबाजी लगा बैठा। हाय 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 यार, तोतों का ये हाल हो गया तो गरीब आदमी चूरी ढूंढने के लिए कितनी कलाबाजी यार रोज लगा। अच्छा जी, पाकिस्तान करप्शन पर काबू पा ले तो $10 अरब बचा सकता है और 10 करोड़ बंदों को भूखा मार सकता है। क्योंकि मेरा ख्याल है इधर कम से कम 10 करोड़ बंदा ऐसा है जो करप्शन से ही बेचारा रोटी खा रहा है। चलो अगर करप्शन से रोटी नहीं खा रहा तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली करप्शन में मुलव्वज़ जरूर है। करप्शन सिर्फ पैसे की करप्शन नहीं होती, अपनी फराइज जो है वो ठीक तरह से उनकी अंजामदही ना करना, ये भी करप्शन है। हम यूटिलिटी बिल्स, अगर हमें कोई आके सारा दिन हम तकरीरें करते हैं करप्शन के खिलाफ, हमारे दरवाजे पर कोई मीटर रीडर आकर दस्तक दे और कहे कि जनाब मैं आपका बिल जो है वो फिक्स कर देता हूँ 2000 रुपए महीना पे, आप एक एसी की बजाय 4-4 एसी चलाएं, हम थोड़ी देर इधर उधर देखते हैं, 2-4 लम्हों के लिए सोचते हैं, हमें खौफ सिर्फ इस बात का होता है कि कहीं पकड़े तो नहीं जाएंगे या किसी को पता तो नहीं चल जाएगा, हम थोड़ी देर के बाद यानी इस्बात में जवाब दे देते हैं, गो अहेड करो यार तुम का। इधर ही देखते हैं, इधर तो देखने का वो मौका नहीं देता, सिर्फ इधर ही देखते हैं, तो इधर देखने से पहले
पहले वो कह देता घबराएगा जनाब मैं ये बेदार हूँ। करप्शन देखकर उसके खिलाफ आवाज ना उठाना भी करप्शन। जी जी बड़ी किस्म की करप्शन होती है, सुंडी वाला अमरूद बेचना करप्शन। बिल्कुल करप्शन है, तुम मजाक में बात कर, बिल्कुल करप्शन है। और फिर सुंडी वाला अमरूद देख के तो उसको फेंक के तो चले जाना, ये भी करप्शन है। रौला डाल देना चाहिए पूरी फ्रूट मंडी में, सुंडी निकल आई, सुंडी निकल आई, सुंडी निकल आई, इस बंदे से अमरूद ना खरीदे, सुंडी निकल आई। उतनी देर तक शोर मचाए जितनी देर तक सुंडी हाथ जोड़ के ना गए, वे प्रात को तो मेरे खत ही पै गई। मैं और कितने रही थी, मैंने जी थां मिली मैं उठी जाना, एडा तेन करप्शन का एहसास है तो मैंने कितने किराए से मकान लिया। सैलाब सदगान की इमदाद के लिए फिल्म स्टार मीरा ने झोली फैला दी। जिस झोली में 100 छेद हुए उस झोली का फैलाना क्या, मीरा जी उठो अब फिल्म करो। हंसना यार, हर शख्स को सैलाब सदगान की अमदाद के लिए हिस्सा लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। चलो अगली खबर पढ़ो, मेरे मुंह को ना देखती जाओ, इतना भी मैं खूबसूरत देख रही है, खत्म नहीं हो रहा। तो जितना देखा जाता है देख ले, बस अब एक ही सेशन में सारा हुस्न देखना होता है। एक सेशन में तो ये आईना नहीं देख पाता बेचारा चेहरा। हाय हाय या अल्लाह, इतना हुस्न दे दिया, इतना हुस्न दे दिया, अगर मुझे इतना हुस्न दे दिया था तो इसको थोड़ा सब्र भी दे दिया। अच्छा मुझे अगली खबर पढ़ लेने दे। पढ़े पढ़े, कोई बात नहीं, इधर ही हूँ मैं, घबराए ना, इधर ही हूँ बैठा हूँ। चीनी शहरी का कानों से रस्सी बांधकर 10 मीटर तक कार खींचने का मुजाहिरा। शुक्र है ये चीन बेचारा हमारे साथ ही दोस्ती निभा रहा है। दोस्ती निभाने वाली कहां से, चीन को पता चल गया कि इनके पास पेट्रोल नहीं है, अब वो चीनी शहरी बना रहे हैं ऐसे जो कानों से गाड़ियां खींचा करेंगे। उधर से एक चीनी शहरी खरीदो और अपनी गाड़ी के आगे लगाओ, उसके कन्नों के साथ अपनी गाड़ी बांधो और लगे फिर जाके आपको दुकान पे बताना पड़ेगा, भाई जी मेरी 1300 सीसी गाड़ी है, 13 इंच कानों वाला चीनी दे दी। और अगर आपने रोल्स रॉयस या बड़ी लैंड क्रूजर खींचनी है तो फिर आपको ओबामा लेना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी गड्डी तो उसी के कान खींच सकते। यार उसने रिकॉर्ड कायम करने के लिए कोई करतब दिखाया, तुम शुरू हो गए हो। नहीं भाई जी, रिकॉर्ड कायम करने के लिए नहीं, असल में जो नलायक खामंद है ना उधर चीन में, उनकी बीवियां उनके कान खींचती थी, वो किसी साइंसदान ने देख लिया। उसने कहा यार एक तो बीवियां बेचारी इतनी मेहनत करके कान खींचती है, यही काम अगर गाड़ियों को लगा दे, साथ सफर भी तय हो जाए, साथ खामंद को सजा भी मिल जाए। ये गाड़ियां बीवियों की ड्यूटियां दिया करेंगी और खामद पेट्रोल की ड्यूटी दिया करेंगे। अमेरिका में बंदरों की ट्रेनिंग शुरू, अब बंदर कंप्यूटर चलाया करेंगे। चल ये कौन सी नई बात है, पहले कौन चला रहा है। शुक्र है चैनल वालों ने मुझे कहा था कंप्यूटर ले लो, मैंने कहा नहीं मैं नहीं ले। कब कहा था कंप्यूटर, तुम्हारे वाले को कंप्यूटर करेगा क्यों जी, मैं कंप्यूटर पे तकिया गर्म करने शुरू कर दिया। वो कहते हैं ना उस्तरा और माचिस पता नहीं। यार हमें झुकते ना करो, ये जरा गौर करो खबर क्या है, बंदर अब कंप्यूटर चलाया करेंगे। नई नस्ल को यंगस्टर को अलर्ट कर दो, उनको खबरदार करो, ये सारा दिन कंप्यूटर पे बैठे रहते। ये ना हो किसी कॉलेज में पढ़ने वाली पेंसी के साथ इंटरनेट में बैठ के चैटिंग कर रहे हो, साल 1.5 साल बाद पता चले भाई जी वो पेंसी नहीं चंपेंजी थी, दरख्त पे बैठ के एक हाथ से छोले खा रही थी, दूसरे हाथ से चैटिंग कर रही थी। से क्या करते हो यार, जब चंपेंजी मेल सेंड कर देगी तो फिर रिलैक्स होने के लिए। नाज़रीन हाजिर होते एक छोटे से वक्फे के बाद। यार पाजनायत, ये जो ऑल पाकिस्तान पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई है APC, ऑल पाकिस्तान पार्टीज कॉन्फ्रेंस, कहीं पर कॉन्फ्रेंस, ऑल पाकिस्तान पार्टीज कॉन्फ्रेंस कहीं नहीं हुई आज पूरे पाकिस्तान में, कहीं पे इस्लामाबाद में हुई है।
ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई है। नहीं तो ये इस्लामाबाद कस्तंतुनिया में आता है। एब्रीवेशन ना बिगाड़ो, जो असल उसका एब्रीवेशन है वही रखो। अच्छा जी, एब्रीवेशन के तहत मैं ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में हुई है जी, ये कामयाब हुई है जी? मेरा ख्याल है कि इसको, इस तरह की जो भी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, इसको कामयाबी या नाकामी के खानों में तकसीम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी कोई प्रैक्टिकल वैल्यू नहीं होती, इसकी एक सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस होती है, इसकी एक अलामती अहमियत होती है, और जो मतलब हम इससे रिजल्ट हासिल करना चाहते थे वो हमने किया। हमने तमाम जो फरीकैन है इस सारे मामले में, अमरीका या जो यूरोपीय कुवतें हैं और अपनी कौम को भी, तमाम लोगों को एक अच्छा मैसेज गया है कि आजमाइश की इस घड़ी में हम सब इकट्ठे हैं, और यही मैसेज जाना चाहिए था, यही मैसेज गया है। ये आप एब्रीविएशन के तहत कह रहे हैं तो मेरा मजाक उड़ा रहे हो। तो आपकी बात पकड़ ली है। अच्छा, मेरा मजाक उड़ा रहे हो। नहीं, मजाक नहीं उड़ा रहा, हर बात एब्रीविएशन के तहत होनी चाहिए। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि ये जो इधर इस कॉन्फ्रेंस में जो सवाल जवाब हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा ले दे और रौड़ा जो पड़ा हुआ है वो नवाज शरीफ साहब के सवाल पे पड़ा। बिल्कुल, ये मियां नवाज साहब ने ये एप्लीकेशन के तहत ये सही सवाल किया है। तो मेरा इंटरव्यू कर रहे हो? नहीं, मैं जाहिर है इंटरव्यू ही कर रहा हूँ और तुम्हारी शेव कर रहा हूँ। ये क्या फजूल बात कर रहा बताओ ना यार, ये सवाल जो किया। मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब का जो सवाल है, जो उन्होंने अस्करी क़यादत से किया है, उनका लबो लहजे पर बात हो सकती है, इस बात पर इख्तलाफ हो सकता है कि मौका दुरुस्त नहीं है, लेकिन जो उन्होंने सवाल किया है वो तो बिल्कुल दुरुस्त है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम की हैसियत से, एक बड़ी सियासी जमात के सरबराह की हैसियत से, एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से, उनका यह हक है कि वो अस्करी क़यादत से ये सवाल कर सके कि अगर सब कुछ ठीक है तो फिर ये क्यों हुआ। ये मेरा ख्याल है कि ये सवाल तो जायज है। इस बात पर दो आरा हो सकती है कि ये मौका दुरुस्त नहीं था या उनका लबो लहजा ठीक नहीं था, टाइम ठीक नहीं, टाइमिंग ठीक नहीं थी। इस बात पर सबकी मुख्तलिफ राय हो सकती है। तो ये ऑल पार्टीज जो वहां पे गई हुई थी, सारे सियासतदान वहां पहुंचे हुए थे बड़े बड़े, वो मुतमईन होकर गए हैं वहां से। यार सीधी सीधी बात है कि इस तरह की जो कॉन्फ्रेंसेज हैं, जैसे मैं पहले कह रहा हूं कि इनकी एक सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस हुआ करती है, वहां पे अब जितना बड़ा जलसा आम इकट्ठा किया हुआ था, बिल्कुल छोटी छोटी सियासी जमातों को भी बुलाया गया था, इस तरह की सियासी और दीनी जमातों के सरबराहों को भी बुलाया गया था, जो सिर्फ एक या दो अफराद पर मुश्तमिल पूरी सियासी या मजहबी जमात जो है। लेकिन उसके जवाब में यह भी कहा जा सकता है, चूंकि इस पर कंसेंसस डेवलप करना था, इसलिए अगर सिर्फ चंद लोगों को बुलाया जाता तो बात शायद तिश्ना रह जाती और मकसद हासिल नहीं किया जा सकता था, इसलिए ज्यादा बड़ा जलसा आम मुनक्किद किया गया। जब आपने इतना लाओ लश्कर वहां पर जमा कर लिया, फिर आप अस्करी क़यादत से ये तवक्को नहीं रख सकते कि वो बहुत जो हाईली सेंसिटिव इश्यूज हैं वो खोलकर आपके सामने रख दें, ये मुमकिन नहीं था। तो ये जो आपका ये जो एब्रीविएशन के तहत जो आप, मैं कोई जवाब नहीं दे रहा, मैं कोई जवाब नहीं दे रहा, चले एब्रीविएशन को साइड पे कर दे। सेंसिटिविटी के तहत जो आपने कहा कि जो एक या दो बंदे, ठहर जाओ, तुम इतने मासूम हो या इतने मासूम बनने की कोशिश करते हो, तो मैं नहीं पता सेंसिटिविटी का क्या मतलब है। यार तुम मेरी बात सुनो, तुम मुझे अंग्रेजी बोलने का कोई हक नहीं यार, तुम मजाक उड़ा रहे हो। मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं अपनी दानिश के तहत बात कर रहा हूँ, सही अंग्रेजी का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो आपने कहा कि जो पार्टी एक या दो बंदों पर मुश्तमिल थी वो भी बुलाया हुआ था, आपका इशारा शेख रशीद साहब की तरफ? मेरा इशारा सिर्फ शेख रशीद साहब की तरफ नहीं है, कुछ मजहबी जमातों के कायदीन भी वहां इस तरह के तशरीफ रखे हुए थे। अच्छा यार, शेख रशीद से याद आया मुझे कि इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का कोई अमरीका पे भी असर हुआ है। शेख रशीद से तुम्हें ये क्यों याद आया? यार वो काली ऐनक लगा के इंग्लिश आए हुए थे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में। हमने पिछले हफ्ते भी इस मसले पर बात करते हुए कहा था कि इंशाल्लाह ताला ये जो सारा मामला है अमेरिका का, जो यकतरफा दबाव है पाकिस्तान पे, ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित होगा, यानी इसमें से कोई खैर का पहलू बरामद होगा। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो अमेरिका का दबाव, इससे कम से कम आज ये बात तो साबित हो गई है कि पूरी कौम ने यकजहती का मुजाहरा किया है, हमारी सियासी क़यादत ने यह मैसेज दिया है कि हम इस कड़े वक्त में इकट्ठे हैं और हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है। और उसका जो अमली नतीजा निकला है वो ये है कि जूं जूं पाकिस्तान की तरफ से ये एक हार्श टोन में अमेरिका को मैसेज गया है,
तू वो जो अमेरिकी मैनेजमेंट है, जो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन है, वो मलन के बयान को डिसओन करती जा रही है। आज न्यूयॉर्क टाइम्स ने बहुत वाजे अल्फाज में कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ ये जो स्टिक एंड कैरेट की पॉलिसी है, ये अब ज्यादा देर चलने वाली नहीं है। ये बिल्कुल न्यूयॉर्क टाइम्स, जो इसके बारे में कहा जाता है कि पहले वो अपनी जबान में बात करता है, फिर उसको चंद दिन बाद अमरीकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ओन कर लेती है न्यूयॉर्क टाइम्स की बात को। तो अभी उन्होंने ये कहा है कि ये जो ज्यादा ये डराने वाली और फिर कुछ दे देने वाली पॉलिसी जो है, ये ज्यादा देर नहीं चलेगी। नहीं, वैसे तुम्हारी बात ठीक है। मैं तो ये समझ रहा हूं कि इस तरह की अगर 3-4 और कॉन्फ्रेंसें हो गई ना, तो माइक मलन को शायद व्हाइट हाउस में कान पकड़वा ले। लेकिन मैं तो ये समझता हूं कि पाकिस्तान की सियासी क़यादत का ये भी फर्ज बनता है कि वो कौम को भी ये मैसेज दे और बैरूनी दुनिया को भी ये पैगाम दे कि हम सिर्फ मुसीबत के इस लम्हे में इकट्ठे नहीं होते, हम आम हालात में भी इकट्ठे हैं। किसी के खिलाफ भी लड़ाई हो, करप्शन के खिलाफ लड़ाई हो, बेरोजगारी के खिलाफ, गुर्बत के खिलाफ, बीमारी के खिलाफ, हम हर महाज पर इकट्ठे हैं। अगर इस तरह का कोई मैसेज भी हमारी सियासी क़यादत की तरफ से जाए तो बहुत भला। जितना वो आज इकट्ठे हो गए हैं ना, वहां तक ही रहो। अब नई फरमाइशें ना करो कि आम हालात में भी, यानी मैंगो सर्कमस्टेंसेस में भी इकट्ठे रहे। अच्छा सर, पिछले हफ्ते की तरह इस बार भी मेरा वही सवाल है, क्या अमेरिका हमला करेगा या नहीं? मेरा जवाब भी पिछले हफ्ते वाला ही है कि पाकिस्तान को ऐसी किसी सूरत हाल का सामना इंशाल्लाह ताला नहीं करना पड़ेगा। बहुत अच्छा यार, आप हर शो के नए पैसे लेते हो तो बातें आप पिछले शो वाली करते हो, क्या तकलीफ है तुम दोनों को यार? नया सवाल करो और नई बातें करो। अब अपने पैसों के लिए मैं पाकिस्तान पर खुदा न खास्ता हमला करवा दूं? अस्तगफिरुल्लाह, तो बात ठीक है। तुम फिर नया सवाल करती, तुमने गलती की है। नाज़रीन, यहां मिलेंगे एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। अजीज साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो हस्बैंड आग शुरू कर लूं? इससे क्यों इजाजत ले रही हो? हाँ जी, ये इनसे लाइसेंस लेंगे। मुझसे ना इजाजत ले, इसको कोई जस्टिफिकेशन नहीं है ना, ये फॉर्मेट नहीं है हमारा। दानिश्वर समझ के एक इंटेलिजेंट बंदा पास बैठा हुआ है, उससे इजाजत लेके बात करूं? ये होता है महफिलों में, तुम्हें क्या पता है यार? वो सेगमेंट शुरू करने की इजाजत ले रही है, कोई थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पूछनी है तुमसे? सेगमेंट की इजाजत तो जी शो के ड्राइवर से ही ले। नहीं, वैसे भी मैंने सुना है कि बड़े बुजुर्गों से इजाजत ले लेनी चाहिए। चलो बरकत के बुजुर्गों से, बरकत के हसूल के लिए। जी जी, चलो चलो बताए जी, इजाजत है? नहीं सरकार, आप सरगोधा से अब्बास अली ने लिखी है, लिखा है सलाम टू एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। कल एक कार वाले ने एक मोटर बाइक वाले को, जो कि थोड़ा सा स्लो चला रहा था और रास्ता नहीं दे पा रहा था, बुरी तरह से साइड मारी। आखिर हमारे मुआशरे में अदम बर्दाश्त इतना क्यों बढ़ गया है? अजीजी साहब, इसे खत्म करने के लिए तो हमें हुकूमती पॉलिसी की जरूरत नहीं है। हाय 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 भाई जी, इसी के लिए तो हुकूमती पॉलिसी की जरूरत है। ऊपर से नीचे तक कदम बर्दाश्त आ रहा है यूर। जो ऊपर वाले हैं उनमें भी तो देखे कितना अदम बर्दाश्त है। जितनी देर तक वो अपने अंदर बर्दाश्त का मादा नहीं पैदा करेंगे, नीचे अवाम में किस तरह बर्दाश्त पैदा होगी? देखे ये राजा बेकवीर या कोई हुकूमती अहलकार जा रहा होता है तगड़ा, किस तरह उसकी गड्डी की स्पीडें होती है और किस तरह पुलिस वाले और सिक्योरिटी गार्ड पीछे कर रहे होते हैं, हड़ल हड़ल फाड़ लो हो रही होती है। ये कोई काटा तो बर्दाश्त होता है उनमें? यानी हुक्मरान अवाम का चेहरा तक देखना गवारा नहीं करते। इसलिए वो मुझसे इजाजत लेती है जितनी मैं अकलमंद गुफ्तगू करता। अच्छा जी, अगली मेल हमें बिलाल अशरफ चौहान ने चकवाल से लिखी है, लिखते हैं अजीज साहब आपके लिए, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम यार, मुझे उसने कहा है। यार मैंने वालेकुम अस्सलाम ही कहा है, क्या कह? तुम दो मिनट ठहर जाओ ना, वो कह रही है क्या ये साहब, ये आपके लिए है, इससे तो बात करना मुश्किल है। मुझे कह रहे हैं जी जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। तुम्हें अगर कहना होगा तो वो कहेंगे जुनैद अंकल अस्सलाम। अच्छा जी, मेरी वालेकुम अस्सलाम वापस कर दे, वापस करो। चलो ठहर जाओ, शो खत्म होता है तो जाते हुए ले जाना। चलो जी अजीजी भाई, खुदा आप सबको बहुत खुश रखे। आमीन आमीन। मैं हैरान हूँ कि आपका दिमाग इतना तेज कैसे है। मैं बताता हूँ क्यों। नहीं, सॉरी, तुम बताओ क्यों तेज है। थैंक यू। देखिए जी, अव्वल तो पहले इंसान के बेसिक एजुकेशन होती है, अगर हो तो। जैसे देखो, तुम्हें बहुत बड़ी अप्रिसिएशन मिली है, न सिर्फ ये कि उन्होंने ये कहा है कि दिमाग तेज है, बल्कि ये थोड़ी अप्रिसिएशन है कि दिमाग है। खुद सोचो जरा, डबल अप्रिसिएशन है यार। ये मेरा सर है, ये मैं को गर्दन पे टिफन नहीं उठा के फेंक रहा।
मैंने कहा ना इसकी अप्रोच टिफन से आगे कभी नहीं गई। अच्छा आगे लिखा है, क्या आप दिमाग के लिए रेती का इस्तेमाल करते हैं? किसका? रेती का। रेती का जब रेती होती है तेज करने वाली। मैं तो आपकी भरजाई को कहता हूँ कि कोई भी औरत जितनी मर्जी कोशिश कर ले, लेकिन अजीजी के दिमाग से ज्यादा तेज जबान नहीं चला सकती। क्यों अजीजी भाई, ठीक कह रहा हूँ ना मैं? थैंक यू जी। सबसे पहले तो मैं आपकी ये जो अप्रिसिएशन है इसका शुक्रिया अदा करता हूँ, थैंक यू वेरी मच। और बर्न होने वाले का फेस ब्लैक। और दूसरी बात ये है, क्या कहा है तुमने? बर्न होने वाले का फेस ब्लैक, जलने वाले का मुंह काला। और ये जो असल में ये जो दिमाग की तेजी होती है ये ग्रूमिंग होती है, और जो कोई सीनियर करता है बंदे की ग्रूमिंग, वो एक मेरी ग्रूमिंग अच्छी हुई है ऑब्वियसली। दूसरा ये अपनी एफर्ट्स भी होती हैं कि इंसान के दिमाग के अंदर जो इल्म के खजाने छुपे होते हैं, जो समंदर होता है वो ठाठे मार मार के बाहर निकलता है तो बड़ी तराटे पड़ती हैं, उसको बर्दाश्त करना ही बस एक काम होता है उन तराटों को, बाकी तो आपको पता है अल्लाह ताला ने सबको दिमाग दिया हुआ है। अच्छा जी, अगली मेल लाहौर से हमें ताहिर शाह लिखते हैं, साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं। कहते हैं, मोहतरम जुनैद साहब, अजीजी और नाजिया बहन, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को इतना शानदार शो पेश करने पे बहुत बहुत मुबारकबाद। अजीजी और जुनैद साहब, क्या बात है, क्रिकेट टीम और बोर्ड के इस खराब हालात के बावजूद इजाज बट साहब को क्यों रिटायर नहीं किया जा रहा? मेरे मोहतरम, असल में दो तीन दफा हुकूमत ने इजाज बट साहब को रिटायर करने की कोशिश की है, मगर तंदूरों वाले सड़कों पे आ जाते हैं और नारे लगाने शुरू कर देते हैं, हमारी सेल करो ना कट इजाज बट इजाज बट, हमारी सेल करो ना कट इजाज बट इजाज बट। इसलिए गवर्नमेंट को मजबूरन उनको दोबारा रखना पड़ा। अच्छा जी, मोहसिन बहावलपुर से लिखते हैं, डियर अजीजी साहब, सर जुनैद एंड मिस नाजिया, एक तो वैसे ही हमारे मुल्क में आफतें हैं और सबसे बड़ी आफत लोड शेडिंग है जिसने पूरी जिंदगी ठप करके रख दी है। अवाम ने हर तरह से एहतजाज करके देख लिया है मगर वापडा वालों पर कोई असर नहीं हो रहा। आप ही दो चार तरीके बता दें जिसे वापडा वाले डर जाएं और कुछ सुन लें। देखें जी, जो वापडा है उसको हम क्या कह सकते हैं, वो तो एक सेलमैन का पार्ट अदा करती है, उसके पास जितनी बिजली होती है वो आगे तकसीम कर देती है यानी बेच देती है। उसके पास बिजली है नहीं तो आगे दे के अब बेचारी अब क्या करें, अब आवाम को डांगे तकसीम करें कि लाओ भाई जी इसके साथ पंखा चलाया करें। है नहीं बिजली जनाब, आपने कभी देखा कि खाली रेड़ी के ऊपर बंदा खड़ा होकर कह रहा हो जेड़ा पन्नू लाले जेड़ा पन्नू लाले जेड़ा पन्नू लाले जेड़ा पन्नू लाले। और यार जितनी बिजली वापडा के पास मौजूद है उसको तो बेहतर अंदाज में मैनेज किया जा सकता है ना, लाइन लॉसेस रोके जा सकते हैं, बिजली की चोरी रोकी जा सकती है, अनशेड्यूल्ड या अन अनाउंस्ड लोड शेडिंग उसको कम किया जा सकता है, ये काम तो वापडा का करने का है ना। हाय 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 हाय, किस किस की चोरी रोकोगे, हर घर से चोरी निकले। बिजली की चोरी, गैस की चोरी, पानी की चोरी, टैक्स की चोरी, ईमान की चोरी, की वाली चोरी साहब। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल, खुश रहें खुश रखें, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, अल्लाह हाफिज़।